वफाई पर अर्श की अमल दंग है। बेशक अर्श की अकल दंग है, उनकी हर एक अदा में क्या महबूबियत का रंग है। बेशक महबूबियत का रंग है, आवाज से अखीर तक अखीर तक कुरान नाते मुस्तफा महबूब के बयान का कैसा अनोखा ढंग है। बेशक कैसा अनोखा ढंग है, और मिलता है मुस्तफा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हाँ बिल्कुल सच है। सरकार इमाम अली मुकाम तशरीफ ना लगे होते कर्बला में तो क्या इस्लाम हम तक आता? बोलो, अपनी कुर्बानी देकर के इस्लाम की आबियारी की है, अपने खून से इस्लाम को सींचा है। इस्लाम तेरी नबी नबी का की हश्र तक तेरी रगों में खून है रवाचार या का शेर तमात्माएं। इनका मिलता है मुस्तफा का दर मदीने तक रूहानी एक सुरंग है। एक सुरंग है, उनकी हर एक अदा में क्या। और दुश्मन रसूल के साथ बैठ के चाय पीने वालों शेख शुरू बतौर खास दावे के साथ कह रहा हूँ, जो लोग दुश्मन रसूल के साथ बैठ कर चाय पीते नाश्ता करते हैं, जब वो हमारे नबी का नहीं हुआ तुम्हारा कैसे हो जाएगा। भाई वाह, इससे सबक ले लो और ये शेर याद रखो, डाल दिए कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। बेशक इश्क़ हमें आला ने सिखाया है। इनकारी में मुस्तफा तेरा ठिकाना क्या, तू तो कटी पतंग लाभ पर। और रसूलल्लाह जिंदाबाद नज़मी किए ही जाएगा न छेड़ना सुन्नी बड़ा दबंग है। सुन्नी बड़ा दबंग है, उनकी हर एक। और ये आखिरी शेर सुनेंगे तो मचल जाएंगे, मेरे आका कल यही फरमाएंगे। अच्छा अच्छा, मतलब अगर पर्टिकुलर एक करके आते रहोगे तो मैं ही ले लूंगा सारा।
बस समाप्त माए ताओ नज़मी को नार की तरफ ले चले जब मलाइका वाह 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 बेशक बेशक क्या फरमाएंगे खुश हो जाओ क्या फरमाएंगे मेरे आका नज़मी को नार की तरफ ले चले जब मलाइका आका कहे के छोड़ दो ये तो मेरा मलंग है नारे तकदीर नारे रिसालत नारे मौसियत मसलके आला हजरत सरजमीने शेरगढ़ नारे तकबीर और जो हमारे बच्चे पीछे पढ़ रहे हैं इनकी ख्वाहिश का एहतराम करूंगा एक मतला दो शेर और मक्ता पढ़ के रख सकूंगा लेकिन उससे पहले